ओके नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और एक श्योर शॉट सक्सेस का स्टोरी लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों के साथ। आज का कॉन्सेप्ट है शटडाउन पॉइंट। काफी स्टूडेंट्स ने बोला कि सर लेवल ऑफ पेपर इज इंक्रीजिंग और वो लोग ऐसे सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सर डर लग रहा है, प्लीज अब ये वाले कॉन्सेप्ट भी कराना चालू कर दो। मैंने बोला डोंट वरी, व्हेन आई एम हियर व्हाई टू फियर। सो आप लोग फटाफट पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो विद क्लिकिंग द बेल आइकन, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे जब मैं ऐसे सब वीडियोस डालता रहूं। प्लस अगर आपका पेपर 2 AFM बाकी है या पेपर 6 IBS बाकी है, देन इन दैट केस डेफिनेटली ऑल माई वीडियोज ऑन यूट्यूब विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो डेफिनेटली डू दैट। एंड कमेंट में आप लोग मुझे शेयर कर सकते हो कि यू नो कैसा लगा वीडियोस एंड और कौन से कॉन्सेप्ट के आप लोगों को वीडियोस चाहिए, फॉर श्योर विल मेक इट फॉर यू। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बट सर इससे रिलेटेड नोट्स कहाँ पे मिलेंगे हमारे को, तो उसके लिए कमेंट्स में मैंने दिया है मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक। जैसे आप वहां पे क्लिक करेंगे इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो नोट्स है वो आप लोगों को मिल जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू मैनेज। तो मैंने एक मस्त वाला एग्जाम्पल लिया है शटडाउन पॉइंट का, वो एग्जाम्पल से आप लोगों को एकदम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाएगा इन अ स्पैन ऑफ 5 मिनट्स एंड मजा आ जाएगा। फिर कोई भी क्वेश्चन आने दो, इजिली यू विल बी एबल टू क्रैक इट। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। नेक्स्ट है मेरा शटडाउन पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्पेशली कोविड कोरोना के बाद काफी सारी कंपनीज को ये फेस करना पड़ा है। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये शटडाउन है ना टेम्पररी शटडाउन है। देखो क्या होता है, कोरोना या कोविड जैसा अगर कोई सिचुएशन आ गया या कभी रिसेशन आ गया, देन इन दैट केस हो सकता है कभी कभी टेम्पररीली, जब तक इकोनॉमी बराबर नहीं हो जाता या जैसे कोई डिजीज हुआ है तो वो तब तक उसका वैक्सीन नहीं आ जाता, सब चीजें ठीक नहीं हो जाती, तब तक शायद आपको टेम्पररीली शटडाउन कर सकता है, करना पड़ सकता है अपना बिजनेस या आपको कंटिन्यू करना है। यही कंफ्यूजन कौन क्लियर करता है, आपका शटडाउन पॉइंट। फटाफट आ जाओ ये चीज के ऊपर। सो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, या तो मैं जो चल रहा है उसमें भी कंटिन्यू करूं या फिर मैं शटडाउन कर दूं। आपको ऑब्वियसली डिसीजन लेना है कि कंटिन्यू करना है या शटडाउन, आपको अपना ब्रेन्स यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही लॉजिकली नहीं बोल, ऐसे ही नहीं बोल सकते चल ना मेरा मन नहीं है शटडाउन कर देता हूं। नो, यू हैव टू यूज योर फाइनेंशियल ब्रेन्स। तो आओ दो सिचुएशन देखते हैं। अगर मैंने कंटिन्यू किया देन इन दैट केस मुझे 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है एंड 1,75,000 रुपीज मेरा फिक्स्ड कॉस्ट इनकर हो रहा है। अगर मैं शटडाउन कर देता हूं तो भी, देखो शटडाउन करता हूं तो भी कुछ बेयर मिनिमम जो फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो कई बार इनकर होता है एंड फिर उसको वापस से रीओपन करना पड़ता है शटडाउन के बाद, तो उसके कुछ अलग से फिक्स्ड कॉस्ट लग जाते हैं। तो देयरफॉर मैं यहां पे देख रहा हूं कि भाई अगर शटडाउन करता हूं देन इन दैट केस 75,000 रुपीज का खर्चा फिर भी होना ही है मेरा, और अगर मैं शटडाउन नहीं करता हूं कंटिन्यू करता हूं देन इन दैट केस 1,75,000 का खर्चा होना है मेरा इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। पूरा गेम फिक्स्ड कॉस्ट का है बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी माय डिसाइडिंग फैक्टर। कैसे आओ मैं आपको बता दूं, देखो अब मैं शटडाउन करूं या कंटिन्यू करूं, कैन आई से मेरा 75,000 रुपीज का जो कॉस्ट है वो तो इनकर होने वाला है दोनों सिचुएशन में। भाई शटडाउन करूं या कंटिन्यू करूं, दोनों सिचुएशन में 75,000 का तो कॉस्ट इनकर होने वाला है। कैन आई से इन केस आई प्लान टू कंटिन्यू, इन केस आई प्लान टू कंटिन्यू, तो कैन आई से मुझे ये 1 लाख रुपीज का जो एडिशनल खर्चा है वो मेरे को रिकवर कर पाना है। अगर ये 1 लाख रुपए का खर्चा मैं रिकवर कर पाया देन इन दैट केस मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, क्योंकि अगर ये 1 लाख जो डिफरेंस है जो एक्स्ट्रा मेरा यहां पे कंटिन्यू करने में जो 1 लाख रुपए मेरा एक्स्ट्रा लग रहा है, दैट एक्स्ट्रा वन लाख रुपीज इज टू बी रिकवर, वो रिकवर हो गया फिर बाद में तो मैं एडिशनल 4-4 रुपया हर एक्स्ट्रा यूनिट पे कमाते ही जाऊंगा। तो वो 1 लाख एक्स्ट्रा रिकवर करने के लिए कहां से रिकवर करूंगा मैं, सीधी सी बात है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से रिकवर होगा। सो इन शॉर्ट 25,000 यूनिट्स इन आर एग्जाम्पल इज आर शटडाउन पॉइंट, इज आर शटडाउन पॉइंट। मतलब अगर मैंने 25,000 यूनिट्स किया प्रोड्यूस किया तो मैं शटडाउन करूं या कंटिन्यू करूं मेरे लिए एक ही बात है, मेरे लिए एक ही कॉस्ट आएगा। बट अगर मैं शटडाउन पॉइंट से ग्रेटर प्रोडक्शन करता हूं, अगर मैं शटडाउन पॉइंट से ग्रेटर ज्यादा प्रोडक्शन करता हूं देन इन दैट केस मेरे को वो सिचुएशन चूज करना चाहिए जिसका हायर फिक्स्ड कॉस्ट है, एंड हायर फिक्स्ड कॉस्ट किसका है, कंटिन्यू वाले डिसीजन का। और अगर मैं शटडाउन पॉइंट से लेसर प्रोडक्शन करता हूं देन इन दैट केस वो चूज करना चाहिए जिससे मेरा कम फिक्स्ड कॉस्ट है, एंड दैट इज मेरे को शटडाउन कर देना चाहिए। एंड कैन आई से शटडाउन पॉइंट पे तो मैं एब्सोल्युटली इनडिफरेंट हूं, शटडाउन पॉइंट पे तो मैं कुछ भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शटडाउन पॉइंट पे मैं क्या हूं, आई एम इनडिफरेंट एट द शटडाउन पॉइंट। सो डिसाइडर कौन था,
डिसाइडर था मेरा ये फिक्स्ड कॉस्ट। तो फॉर्मूला क्या आएगा बॉस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मूला क्या आएगा शटडाउन पॉइंट का? शटडाउन पॉइंट का फॉर्मूला है कि मैं अगर कंटिन्यू करता हूं तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है। सो प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट इफ आई कंटिन्यू लेस 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 लेस। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं अगर शटडाउन कर दू तो फिर भी मेरे को कितना फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाला है। सो लेस फिक्स्ड कॉस्ट इफ आई शट डाउन, अगर शट डाउन किया तो कितना होने वाला है, डिवाइड बाय कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ले लो, या अगर पीवी रेशियो दिया है तो वो ले लो। यू विल गेट द शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे मैं कंटिन्यू करूं या शट डाउन करूं मुझे ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट इज गोइंग टू गिव मी सेम अमाउंट ऑफ लॉस, लॉस तो दोनों में होने वाला है बट सेम अमाउंट ऑफ लॉस होगा। बट अगर मेरे को शट डाउन पॉइंट से ज्यादा का प्रोडक्शन एंड सेल्स का उम्मीद है, यहाँ पे मेरे को लिखना चाहिए सेल्स, ज्यादा सेल्स का उम्मीद है, देन इन दैट केस आई शुड कंटिन्यू। शट डाउन पॉइंट से कम अगर मुझे लग रहा है, देन इन दैट केस अगर मुझे लग रहा है कि भाई लेसर सेल्स होगा इन केस शट डाउन पॉइंट से, देन इन दैट केस मेरे को शट डाउन कर देना चाहिए। आई होप वी आर एब्सोल्यूटली क्लियर। चलो आओ फटाफट देख लेते हैं यहाँ पे, डिसीजन टू शट डाउन और कंटिन्यू ये लेना है अपने को। लेवल ऑफ एक्टिविटी एट विच ऑपरेटिंग लॉस इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट इफ प्लांट इज शट डाउन। तो मैंने बोला ना कि यहाँ पे शट डाउन पॉइंट एक ऐसा है जहां पे मेरा ऑपरेटिंग लॉस इन केस आई कंटिन्यू और इफ आई शट डाउन इज इक्वल। शट डाउन पॉइंट पॉइंट मींस पॉइंट एट विच मैनेजमेंट वुड बी इनडिफरेंट टू शट डाउन और कंटिन्यू। फॉर्मूला क्या आएगा, प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट, प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट माइनस ओके प्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इफ प्लांट इज शट डाउन डिवाइड बाय पीवी रेशियो कर लो या कॉन्ट्रीब्यूशन कर लो, एक ही बात है। If actual sales equal to shutdown point, तो I am indifferent. अगर actual sales से ज्यादा है, shutdown point से ज्यादा आप sale कर पा रहे हो तो continue करोगे भाई, और अगर कम कर रहे हो then in that case shutdown कर दोगे। ये है आपका shutdown point. I hope we are absolutely clear. Okay, so कैसा रहा कॉन्सेप्ट, मैंने बोला ना शॉर्ट स्वीट एंड दिमाग में सीधा घुस जाएगा आप लोगों को वो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट के। नेक्स्ट टाइम कोई भी एमसीक्यू रिलेटेड जो एससीपीएम में क्वेश्चंस आते हैं आप बहुत आसानी से आराम से कर पाएंगे। डू शेयर इट विद ऑल योर कलीग्स गाइस, जिनको भी एससीपीएम बाकी है जिनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। एंड AFM का भी मेरा ऐसे ही श्योर शॉट एंड रिविजन लेक्चर्स है सारे के सारे चैप्टर्स के, मेरा सजेशन है डू डेफिनेटली यूज दैट एज वेल। चलो टाइम फॉर मी टू से हास्ता ला विस्ता, कीप स्माइलिंग। और कौन सा कॉन्सेप्ट चाहिए या और क्या चाहिए आपको, डू लेट मी नो, विल डेफिनेटली मेक इट फॉर यू। बाय बाय।